तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रिंक्स रेडी हो चुकी हैं। ये फर्स्ट पे हमारी जो है वर्जिन मोहितो, और ये सेकंड नंबर हमारी रूअब्जा वर्जिन मोहितो, थर्ड हमारी वाटरमेलन वर्जिन मोहितो, फोर्थ हमारी ये है जो है मसाला शिकंजी, और ये है हमारी मैंगो वर्जिन मोहितो, और जो लास्ट नॉट इन द लिस्ट ये हमारी मसाला फेंटा। तो फ्रेंड हेलो एंड गाइस, वेलकम टू जेसीज किचन। एक बार से फिर से आपका स्वागत है जेसीज किचन में। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जेसी। तो गाइस, आज जो हम बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं 6 तरह के समर स्पेशल ड्रिंक्स। बहुत ही प्यारे और बहुत ही बेहतरीन, बीट द हीट, गर्मी को मारने के लिए बहुत ही प्यारे ड्रिंक्स हैं, और आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। सीजनल फ्रूट यूज़ कर रहा हूँ, जो सीज़न में, मतलब इस सीज़न में, हमारे गर्मी के सीज़न में मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस, सबसे पहले बेसिक जो हमें ज़रूरत पड़ेगी शुगर सिरप की। पहले सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं, और शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी चीनी ले रखी है, और 2 कटोरी आप पानी डाल दोगे ऐसे नाप के, इसमें पूरा भर भर के इस प्रकार से। ये शुगर सिरप आपका, इसको उसमें अच्छे से शुगर को डिसॉल्व होने देना, और शुगर सिरप बन जाएगा। और इस शुगर सिरप को आप कम से कम 1-2 महीने तक आराम से स्टोर करके यूज़ कर सकते हो आप। मतलब जब भी आप ये कोई भी समर ड्रिंक बनाओगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम जो बनाने जा रहे हैं, वर्जिन मोहितो। वर्जिन मोहितो बनाने के लिए हमें सबसे पहले, मतलब ये चाहिए मिंट लीव्स। मिंट लीव्स को मैंने गाइस तोड़ लिया, आप इस प्रकार से पत्तों को तोड़ लीजिएगा। और लेमन ये मैंने काट रखे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे काटना है। एक लेमन लीजिए, उसको गाइस ऐसे बीच में ऐसे कट मारिए, 1 के 3 पीस कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। और ये 3 पीस होने के बाद आप उसका साइड का जो बीच का हिस्सा है, जिसमें बीज होते हैं, उसे कट कर दीजिए, ऐसे निकाल के रख दीजिए। और बहुत ही सिंपल है, इजीली है, आप ही कर लोगे। बस ये देखिए, ये निकाल दिया मैंने इस प्रकार से। आप एक, अगर अगर आप एक वर्जन मोहितो बना रहे हो, तो एक बनाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 पीस ऐसे लेमन के यूज़ करने हैं, और ऐसे थोड़े से पुदीने के पत्ते। मैं बता, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लेमन का जूस निकाल रहा हूँ, ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एक साथ आप सारा मीज़ा पहले असेंबल करके रख लीजिएगा, फिर बाद में हम उसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए लेमन का जूस इस प्रकार से निकाल लीजिए, बीज हाथ में आ जाएंगे और लेमन का जूस उसमें आ जाएगा गिलास में। ये देखिए, ये हमारा लेमन का जूस निकल चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, अच्छी क्वांटिटी बन जाएगी। तो भाई सब शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐसे, आप आपके पास अगर वो कुछ कूटने का अगर ऐसा हो जिसमें आप अदरक वगैरह कूटते हो, तो उसमें आप ऐसे डाल दीजिए मिंट लीव, और 5 से 6 लेमन, और इसको इस प्रकार से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आइस को क्रश कर रहा हूँ। घर में जो नॉर्मली आप जमा के रखते हो फ्रिज में, उसे निकाल के छोटा सा पीस करके एक कपड़े की सहायता से बेलन पर से मार के आइस आराम से बढ़िया से क्रश कर लीजिए। क्रश आइस से यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ड्रिंक में। चलिए देखिए, अपना देसी जुगाड़ क्या अच्छे से क्रश हो चुकी है। देखिए गाइस, अगर आपको लगता है अभी भी अच्छा क्रश नहीं है, बड़े बड़े थोड़े मोटे मोटे वो हैं पीसेस, तो आप थोड़ा और मार के कर दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मिक्सचर था ये मिंट और लेमन का, इसको निकाल लीजिए गिलास में, और क्रश आइस डालिए खूब सारी, ठीक है जी। और आप लेमन जूस डाल दीजिए तकरीबन तकरीबन 30 से 30 ml तक, यानी 2 छोटे चम्मच। और हमारा शुगर सिरप यहाँ रेडी है, ये देखिए जो बन चुका है, ये भी आप, ये आप डालिए कम से कम 60 से 70 ml, ठीक है गाइस। और इसको हम टॉप अप करेंगे सोडा के साथ। और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, आपकी वर्जिन मोहितो रेडी है। अगर गाइस आप थोड़ा सा और इसको, मतलब अगर ज़्यादा मीठी पसंद करते हो, तो आप स्प्राइट और सोडा के इक्वल क्वांटिटी के साथ इसे टॉप अप कीजिए, उसमें मीठापन एकदम बरकरार रहेगा। बट मैं तो नॉर्मली सोडा के साथ पसंद करता हूँ। तो उसको इस प्रकार से आप गार्निश कर दीजिए, एक लेमन का स्लाइस निकालिए ऐसे लगाइए,
बस। और इसके ऊपर एक ये मिंट रख दीजिए, बन गई आपकी वर्जिन मोहितो, ये देखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारी है मैंगो वर्जिन मोहितो, तो उसके लिए मैंने क्या ले रखा है, मैंगो को छोटे छोटे क्यूब कर लिए जी कर रखे हैं सॉरी, आप भी कर लीजिएगा ऐसे। और वही सेम मसाला जो हमने वर्जिन मोहितो के लिए बनाया था, सेम क्वांटिटी सेम ऐसे गिलास में डालिए आप, ठीक है। और ये मैंगो का जो पल्ब है उसको ऐसे निकालिए और थोड़ा इसको ऐसे हल्का हल्का मडल कर दीजिए ताकि ये मैंगो का वो बन जाए प्यूरी टाइप। हमारी प्यूरी बन चुकी है, उसमें अब हम डालेंगे अपना क्रश आइस और हमारा वही लेमन जूस 30 ml के आसपास बस। और ये शुगर सिरप जो बनाया हमने 50 ml लेंगे हम गाइस, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इसमें मैंगो भी है, मैंगो मीठा होता है। और इसको टॉप अप करेंगे हम वही सोडा के साथ और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा गाइस, ये देखिए एकदम नेचुरल ड्रिंक है फ्रेंड्स, कोई भी हमने प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया। लाइक अगर कई लोग क्या करते हैं, जैसे बाहर होटल में जाओगे तो वहाँ पे गाइस ये लोग मैंगो क्रश वगैरह यूज़ करते हैं, हमने फ्रेश फ्रूट के साथ बनाई है तो इसलिए इसका कलर जो है थोड़ा हल्का हल्का येलोश है। और जो बार वगैरह में यूज़ होता है वो होता है मैंगो क्रश, जिसकी वजह से उसका कलर एकदम मैंगोइश होता है। ये देखिए आप ऐसे मैंगो लगा दीजिए एक, और साथ में ऐसे एक मिंट ऐसे ऊपर की जो पत्तियाँ होती है अच्छी वाली तोड़ के रख दीजिए और अच्छे से सजाइए हमारी ये प्यारी सी मैंगो ड्रिंक, मैंगो वर्जिन मोहितो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारी है जो है वाटर मिलन वर्जिन मोहितो, यस। तो उसके लिए हमने सेम वाटर मिलन के ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, ये देखिए। और ये हमारा वही मिंट और लेमन, और इसको इसमें डालिए वाटर मिलन के पीसेस को, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर आएगा वाटर मिलन का एक। और इसको भी अच्छे से ऐसे मडल कर लीजिए और ये अच्छे से मडल हो चुका हमारा मिक्सचर। और इसको एक गिलास में ले लीजिए ऐसे फ्रेंड्स, और उसके बाद हम सेम डाल देंगे इसमें अपने क्रश आइस और लेमन जूस, सेम हमारा 30 ml, और शुगर सिरप हम डालेंगे 60 ml, 60 ml से थोड़ा ज़्यादा डालिएगा फ्रेंड्स, वाटरमेलन हमारा मीठा नहीं होता है तो कभी कभी मिठास कम आती है। और सेम टॉप अप जो करेंगे हम अपने सोडा के साथ, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ये देखिए क्या नेचुरल कलर आया है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। और इस प्रकार से थोड़ी सी प्रो गिरी करी हमने यहाँ, ये लगाया हमने अपने वाटरमेलन का एक डिज़ाइन और ऐसे में डालिए, और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी वाटरमेलन वर्जिन मोहितो। जो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मोहितो है वो है हमारी रूह अफ़ज़ा मोहितो। नॉर्मली ये बाज़ार में अवेलेबल होता है, घर में भी रहेगा, आजकल गर्मी का सीज़न है सबके घर में मिलते हैं। तो मिंट के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है ना बहुत ही बेहतरीन बनता है, ये देखिए मैंने मिंट और लेमन को वैसे ही अच्छे से मडल कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी क्रश आइस, ऊपर से डाल दीजिए, और इसमें हम डालेंगे 60 ml हमारा रूह अफ़ज़ा सिरप, ऐसे करके 60 ml रूह अफ़ज़ा सिरप डालिए और वही 30 ml लेमन जूस डालिए, ठीक है फ्रेंड्स। शुगर सिरप डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं हम वो पहले। और टॉप अप विद बहुत ही ईजी है, देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट में आप भी बन जाइए प्रो बारटेंडर, ये देखिए ये हमारी रूह अफ़ज़ा वर्जिन मोहितो। और सेम एक लेमन का स्लाइस कट करिए, थोड़ा सा ऐसे लगाइए और एक मिंट लगाइए और बन जाइए प्रो, ये देखिए हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं हमारी मसाला शिकंजी। मसाला शिकंजी बनाने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जीरा का हम बनाएंगे पाउडर, थोड़ा सा एक छोटा चम्मच जीरा लेके उसका हम पाउडर बनाएंगे। जीरा पाउडर आप अच्छे से जीरा को भून लीजिए और बेलन की सहायता से इसका पाउडर बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम जीरा पाउडर बना लेंगे।
थोड़ा सा मैंने जीरा भुना था तवा में, और जैसे ही हल्का सा ब्राउन हुआ ये उसका मैंने पाउडर बना लिया है। मसाला शिकंजी बनाने के लिए सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, जो हमने जीरा का पाउडर किया था, इतना छोटा चम्मच एक जीरा, और ब्लैक सॉल्ट ले लीजिएगा आधा चम्मच, आधे से भी थोड़ा कम है, और चाट मसाला, और हमारा काली मिर्च का पाउडर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब मिक्स कर लीजिएगा। लेमन का जूस लीजिए फ्रेंड्स, सेम 30 ml, और हमारी शुगर सिरप ले लीजिए फ्रेंड्स, वही 60 ml शुगर सिरप, और आइस क्यूब डाल दीजिए अच्छे से, और टॉप अप विथ, आप सोडा करना चाहते हैं तो सोडा कर लीजिए इसमें, और पानी के साथ करना चाहते हैं तो पानी के साथ इसे टॉप अप कर दीजिए। और ये आपकी, ये देखिए मसाला शिकंजी रेडी है फ्रेंड्स, ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारी लास्ट ड्रिंक है वो है हमारी फेंटा मसाला, फेंटा फॉर द कोल्ड ड्रिंक लवर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे ग्लास को हम रिम करेंगे। उसके लिए हल्का आपको ऐसे इसमें प्लेट में एक काला नमक डालिए, और चाट मसाला डालिए, और ऐसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए फ्रेंड्स दोनों को। और आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। एक लेमन का ऐसे स्लाइस ले लीजिए, और आपके गिलास के चारों तरफ ऐसे पूरे राउंड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, और ऐसे करके रिम करिए उसे, पूरे गिलास पे लगाइए। इस प्रकार से ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे गिलास पे आप लगा लीजिए ऐसे। इससे क्या होगा, जब आप सिप मारोगे ना फेंटा की, मसाला फेंटा, अभी उसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा, चटकारेदार। और हर एक सिप के साथ बोलेंगे थैंक यू जेसी शेफ। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले गिलास में आइस डाल लीजिए, और इसमें डालिए चाट मसाला, वही भुना हुआ जीरा थोड़ा सा चम्मच, और अपना सेम ये काली मिर्च छोटा चम्मच, और इसमें हम डालेंगे अपनी अब फेंटा। ऐसे फेंटा डाल लीजिए फ्रेंड्स, और 30 ml हमारा लेमन जूस, और इसको स्लो ऊपर तक मत भरना फ्रेंड्स, नहीं तो ये सारा मेल्ट हो जाएगा जो हमने ऊपर लगा रखा है। इसको स्लोली स्लोली मिक्स कीजिए, और हाँ थोड़ा सा मैं इसमें हम वो डालेंगे अपना ब्लैक सॉल्ट, एक छोटा सा चम्मच, ये देखिए 1/4 चम्मच का, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बन गई हमारी फ्रेंड्स मसाला फेंटा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रिंक्स रेडी हो चुकी हैं। ये फर्स्ट पे हमारी जो है वर्जिन मोहितो, और ये सेकंड नंबर हमारी रूअब्जा वर्जिन मोहितो, थर्ड हमारी वाटरमेलन वर्जिन मोहितो, फोर्थ हमारी ये है जो है मसाला शिकंजी, और ये है हमारी मैंगो वर्जिन मोहितो, और जो लास्ट नॉट इन द लिस्ट ये हमारी मसाला फेंटा। तो फ्रेंड्स, सारी रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कौन सी आपकी फेवरेट बनी और कौन सी आपको अच्छी लगी। और जाने से पहले यही कहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जो नए हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।